السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yes, sir. Hello. तो लास्ट क्लास में सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन कराया था मैं. सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स से सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स को अल्काइन बुलाते हैं. नहीं हुआ था सर इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन हो गया था ना इंट्रोडक्शन. टाइम हो गया था. हेलो अभी तो इंट्रोडक्शन दिया था मैं. कल याद नहीं बोलना था मैं. सर आपकी आवाज अटक रही है. सर आवाज अटक रही है. सर कल इंट्रोडक्शन दिया था मैं. सर आवाज नहीं आ रही सर. आ रही आवाज. हेलो नहीं आ रही सर. अटक अटक क्या रही. बहुत अटक रही जी. एक मिनट आ रही.
सर यार म्यूटेड। सर आपका माइक बंद है सर। आवाज ऑडिबल है बेटा? आवाज आ रही मेरी? सर आवाज आपकी बहुत कट रही सर, वॉइस ब्रेकिंग सर। नहीं बेटा मैं तो बोल रहा हूँ, देखिए अब आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए सर सबको प्रॉब्लम है। आपका फोन ब्रेक होते हुए आपकी आवाज कटते हुए आ रही सर। आपकी आवाज नेट स्लो है सर, यहाँ पे दिखा रहा हूँ नेट का मैं बोल रहा जी। तो थोड़ा ये इंट्रोडक्शन देखिए बेटा, से बात कर रहा हूँ। देखिए सर नहीं दिख रहा सर, उसकी आवाज नहीं आ रही आपकी सही से। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा ये। दिखना नहीं आप लोगों को? नहीं दिख रहा सर। दिख रहा भी नहीं? नहीं दिख रहा सर, आवाज भी अटक अटक के आ रही। जी बेटा आ रही आवाज? अटक अटक के आ रही सर। क्या प्रॉब्लम है कि बेटा मैं थोड़ा बाहर भी आके इधर बाजू बाहर के रूम में बैठा मैं। फिर क्या करेंगे अभी? सुन नहीं आ रहा था क्या करते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टैंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स है। दिख रहा आपको स्क्रीन? दिख रहा स्क्रीन? नहीं दिख रहा सर। आप दिख रहा सर? हाँ देखिए सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट्स है। फर्स्ट जो एलिमेंट है बेरिलियम, ये डायगोनली रिलेटेड विथ मैग्नीशियम, कल समझाया था मैं आपको। बेरिलियम इज डायगोनली रिलेटेड विथ व्हाट बेटा? मैग्नीशियम। एग्जाम्पल बेरिलियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड, दीज आर सिमिलर dimeric in nature and covalent compounds hain ke halides ki oxides BeO(Al)2O3 oxides amphoteric mein rehte aur beryllium hydroxide magnesium hydroxide are less in water, so beryllium is diagonally related aluminum magnesium aluminum hai. Beryllium shows the diagonal relationship with the aluminum. And the remaining elements magnesium, calcium, stannium. ये ग्रुप में फर्स्ट दो एलिमेंट्स फ्लेम कलर एग्जिबिट नहीं करते। आपकी आवाज बहुत अटक रही है सर, समझ में नहीं आ रहा सर। वीडियो रिमेनिंग एलिमेंट्स एग्जिबिट द फ्लेम कलर्स। जी नहीं आ रही हेलो? हेलो सर, अटक रही सर आपकी आवाज। क्या करेंगे कॉरिडोर के पास बैठा मैं, बाहर भी आके बैठा मैं, इधर बाजू बैठा मैं। एरोप्लेन मोड में डाल के निकालिए सर। अच्छी बात है, ट्राई कर लेते हैं। एक बार बंद करके फिर खोलिए।
हेलो आरी बेटा हेलो आवाज आ रही हेलो बेटा आवाज आ रही मेरी नहीं आ रही सर अटक अटक के आ रही जी बंद करके फिर खोला मैं विंडो के पास बैठा मैं थोड़ी देर से मैं 5 मिनट से ऑन करता हूँ देखिए बेटा फिर बंद करके एरोप्लेन मोड डाल के फिर मैं ऑन करके फिर अभी करा मैं फिर हाँ एग्जिट होके फिर ऑन करता हूँ मैं ऑर्डर जाके सॉलिड बन रहा घट बन रहा तो उसको सेटिंग बोलते सेटिंग में दो किस्म के चेंजेस आते उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते सेटिंग में दो किस्म के चेंजेस है फर्स्ट वन दो स्टेजेस है सेटिंग स्टेज और हार्डनिंग स्टेज सेटिंग स्टेज में क्या होता सेटिंग स्टेज में हाफ हाइड्रेटेड रोम्बिक प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ हाइड्रेटेड दैट इज CaSO4 हाफ H2O ओके कौन से फॉर्म में है भाई ये रोम्बिक ये क्रिस्टलिन शेप है उसका हाफ हाइड्रेटेड रोम्बिक प्लास्टर ऑफ पेरिस अब्सॉर्ब्स दी वाटर मॉलिक्यूल्स CaSO4 2H2O के ऐसा कन्वर्ट हो जाता है ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक फॉर्म है रोम्बिक जाके डाइहाइड्रेटेड रोम्बिक फॉर्म होता हाफ हाइड्रेटेड रोम्बिक जाके डाइहाइड्रेटेड रोम्बिक फॉर्म होता नाउ देन डाइहाइड्रेटेड रोम्बिक जो है मोनोक्लिनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता ये डाइहाइड्रेटेड रोम्बिक प्लास्टर ऑफ पेरिस मोनोक्लिनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने को क्या बोलते हैं हार्डनिंग स्टेज बोलते बुलाते समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं सर क्या क्या बोला मैं बोलिए बेटा सेटिंग बोले तो पाउडर जाके घट बनने को सेटिंग बोलते सेटिंग के अंदर दो स्टेप्स है सेटिंग स्टेज हार्डनिंग स्टेज सेटिंग स्टेज में रोम्बिक हाफ हाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस रोम्बिक डाइहाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता हार्डनिंग स्टेज में रोम्बिक डाइहाइड्रेटेड प्लास्टर ऑफ पेरिस मोनोक्लिनिक प्लास्टर ऑफ पेरिस बन के घट हो जाता
तो ये दो स्टेप्स है बेटा ये. तो दिस इज अबाउट द सेटिंग ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस. देन प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस के बारे में पहले प्रिपरेशन पढ़ाया, उसके बाद सेटिंग के बारे में पढ़ाया और यूजेस के बारे में पढ़ा रहा हूँ. प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है आपको स्टैचूज बनाने के वास्ते यूज कर लेते, टॉयज बनाने के वास्ते यूज करते. सुन रहे मैडम? चौक एंड ऑक्स एक यूज हो गया जी बेटा. प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहाँ यूज करते हैं जी? व्हाट आर द यूजेस ऑफ पीओपी? यूजेस ऑफ पीओपी पढ़ा रहा हूँ मैं. यूजेस है तो उसमें दिख रहा आपको स्क्रीन? नहीं दिख रहा. स्क्रीन दिख रहा मेरा? नहीं सर, नहीं दिख रहा. नो सर. मेकिंग नॉइस? नो सर. वही बेटा नेटवर्क का प्रॉब्लम हमारा शायद ये. अब देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस को टॉय स्टैचूज के बनाने में, ये गणेश को जो बनाते हैं ना प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते. आवाज आ रही जी सर? आ रही है. टॉय स्टैचूज के, टॉयज और स्टैचूज के प्रिपरेशन में पीओपी को यूज करते. एक यूज है पीओपी का. सेकेंड वन, हड्डी वगैरह टूट गए तो जो पट्टी बनते ना सीमेंट की पट्टी बोलते. हेलो जी सर. हाँ, मेडिसिन के अंदर इसको यूज करते बेटा. फॉर दी फॉर जॉइनिंग दिस ब्रोकन बोन्स, दिस इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस. इसकी जो सीमेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट की पट्टी जो बोलते बेटा, तो ये पट्टी से अपन जो है टूट गए सो हड्डियों को जोड़ देते. सो ये सेकंड यूज होगा. सुन रहे क्या बोल रहा हूं मैं? सर. स्टैचूज और टॉयज प्रिपरेशन में यूज करते हैं. आवाज कर रही आप? हाँ बेटा. अभी तो फिर कल कंटिन्यू करूं, फिर सुने नहीं आ रहा तो क्या करूं बोलो. कल कंटिन्यू करते बेटा. फिर ये थोड़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कंप्लीट हो गया. आज की क्लास में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बोला मैं. ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें. क्या बोल रहा मैं? नहीं आ रही सर आवाज. हेलो आवाज जी सर. फिर एक बार करके फिर ऑन करता हूँ.